सर मैं इस मुल्क में 52वें वर्ष में मैंने प्रवेश किया है, हमने कभी सर मॉब लिंचिंग डेली वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं हुई। जहां सुनो खान पान के कारण मार दिया गया, पहनावे में मार दिया गया, आज कोई कह रहा तो चोरी के शक में मार दिया गया। अरे डकैती भी अगर की हो तो क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है? सर सेक्युलरिज्म को बीते कुछ वर्षों में हमने मुसलमान के गले की घंटी बना दिया ना। मेरा वास्ता है सेक्युलरिज्म से, क्योंकि हिंदू धर्म की जो डायवर्सिटी है वो सेक्युलरिज्म से प्रोटेक्टेड है। अगर सेक्युलरिज्म निकल गया ना सर, वैसे भी सोशलिज्म खा ही गया लोग, तो बचेगा क्या इस देश में? प्रस्तावना में क्या बचेगा? खाली पन्ना। सर खाली पन्ना नहीं चाहिए, भरा पूरा पन्ना चाहिए, पुराने इंडिया वाला। नए इंडिया का जो ये पन्ना है सर, ये डराता बहुत। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सामने बोलता, क्योंकि तो संवाद सीधे हो जाता है तो वो कुछ एक्शन भी तुरंत ले लेते शायद। एक शेर है सर, तेरे दस्ते सितम का अर्ज नहीं, दिल ही काफिर था जिसने आह न की। तो वही दिल काफिर है, आह भी नहीं कर रहा है। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण दे रहे थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सर उसी दिन चार इधर से उधर चले गए। चार हमारे प्रिय साथी। और मेरे जहन में आया कि उसी का दम है इस जमाने में, इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। मैं वही कह रहा हूं ना, उसी का दम है इस जमाने में जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो ये सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद हमने गोवा मणिपुर मेघालय में देखा, और अभी सर ताजा ताजी देख रहे हैं बंगाल में। 24 घंटा सातों दिन सर, बंगाल का हूं नहीं, बड़ी मोहब्बत में, जितना साहित्य पढ़ा ना बंगाल से ही पढ़ा, हिंदी में अनुदित किताबें पढ़ी। सर जिस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति टूटी थी ना, उस दिन मुझे लग गया कि बंगाल को तकसीम के दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है। 46-47 बंगाल ने बहुत भुगता था सर, गांधी के आखिरी फेज को सब पढ़े, कैसे खड़े हुए थे, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था बंगाल को उस दंश से बचाने के लिए। आज कोई नहीं, चंद सीटें आप जीत जाएंगे, मैं मानता हूं जीत गए आप लोकसभा में, लेकिन बंगाल हार जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर हार जाएंगे, गुरुदेव हार जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव को कोट किया था माननीय राष्ट्रपति जी ने। लेकिन वही गुरुदेव कहते थे, वेयर द वर्ल्ड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। और यहां दौर कर दिया ऐसा कि निसार में तेरी गलियों पे वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्मों जान चुरा के चले। क्या ऐसा चाहते हैं? फैज ने यह पाकिस्तान के लिए लिखा था सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान 47 से अब तक था ना, हम पाकिस्तान की नकल कर रहे हैं, हम पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, हम हिंदू पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, और काफी हद तक सफल हो रहे हैं सर। अब क्या हो गया, अब देश छोड़ के जा भी नहीं सकते, यही रहना होगा सर। मुजफ्फरपुर ना हुआ होता, मुजफ्फरपुर में बच्चे इंसेफ्लाइटिस से नहीं मरे हैं सर, वो हमारी संवेदनाओं के मर जाने की वजह से मरे हैं, हमारे सरोकारों के मर जाने की वजह से मरे हैं। और वो बच्चे कौन है सर? इस मुल्क में वो मायने नहीं रखते। आज ही सोशल ऑडिट रिपोर्ट आई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां है, 3/4 ऑफ द किड्स आर फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज, 150 रुपया प्रतिदिन उनकी आय है, और हम मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया इतना ग्रोथ, ये किसके लिए? किसका चेहरा है उस ग्रोथ में? मेरे उन बच्चों का चेहरा नहीं है जिनके आंगन की किलकारियां खत्म हो गई। मैं सिर्फ आखिर में ये आपसे कहना चाहूंगा महोदय, कि स्वच्छ भारत अभियान, सर मेरे नेता जो सदन में प्रतिपक्ष के हैं वो कह चुके, बाकी साथियों ने भी कहा, स्वच्छ भारत सर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी द्वारा लाया गया प्रोग्राम है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्च, कोर कंपोनेंट पे बिल्कुल खर्च नहीं है सर। स्वच्छ भारत अभियान अगर होता ना, तो सेप्टिक में उतर करके, सीवर टैंक में उतर करके लोगों की मौतें नहीं होती, और हम प्रतिक्रिया देते हैं अगले दिन निकल जाते हैं सर। सीवर में उतरने वाले की, मैं पहले भी सदन में कहा कि हमारे मुल्क को चंद्रयान भेजने का कोई मतलब नहीं है अगर सीवर में उतरने वाले की आप जाति नहीं बदल सकते। आज भी उसी जाति के लोग उतर रहे हैं बिना मोटराइज्ड इक्विपमेंट के। तो मैं, और आखिर में सर, क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो गया, आखिर ही कह दे रहा हूं सर कि मेरा आग्रह होगा
मैंडेट की पड़ताल करें। मैंडेट इज नॉट अ लाइसेंस टू डेसिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी एंड कोर गवर्नेंस इश्यूज। मैंडेट इज टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। और इसीलिए मैं कहा, दरअसल साबित हुए वो बिखरे हुए पन्ने जो कहते थे हम मुकम्मल किताब है। धन्यवाद सर, जय हिंद। धन्यवाद।